Welcome to the theory of computation course. This is the third video of the course finite automata. So finite automata last time dekha tha hum logo ne ki ek automata hota hai ek basically that is CPU and program memory and it is a input memory and same is here that output memory. So input output and this is a temporary memory. So temporary memory यहाँ पे use करते हैं जितना भी computation हम लोग करेंगे perform करेंगे वो सारा का सारा temporary memory के अंदर perform करेंगे and that is called a CPU plus here it is a program memory. Program memory मतलब जितना हमें program या जो solve करना है उसका पूरा definition solution का वो हम यहाँ पे put करते हैं और solution में जो step perform हो रहे हैं क्या store होगा क्या computation होगा वो सारा का सारा हम temporary memory में work करते हैं. So this is a machine, mathematical model of automata. So here we are using finite automata. So finite automata के अंदर हम temporary memory को use नहीं करते हैं. So this is a finite automata. We are not using a temporary memory. We are using a input memory block or output memory block. So in input we are using just a user entered that input in string format. And output basically in finite automata आउटपुट वाले पार्ट में हम लोग केवल और केवल चेक करते हैं अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो यूज़र दे रहा है दैट इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. ओके सो दैट इज़ आउटपुट ब्लॉक एंड नो टेम्पररी ब्लॉक. सो ये कुछ भी स्टोर नहीं करेगा फॉर कंप्यूटेशन टाइम के लिए. सो जब स्टोर नहीं करेगा सो वो आउटपुट मेमोरी में कुछ भी फेच नहीं कराएगा. वो बस ये एक्सेप्ट कराएगा पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है मशीन और नहीं कर रही है. सो हेयर इट इज़ अ फाइनाइट सीपीयू एज वेल एज अ मेमोरी ब्लॉक दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम मेमोरी. सो प्रोग्राम मेमोरी क्या होगा कि हमने कुछ प्रोसीजर लिखा कुछ स्टेप्स लिखे वो सारा का सारा हम यहाँ डिफाइन करेंगे. ठीक है सो दैट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा. So that is the exact way finite automata we have two things input and output. Same here input is in form of a string and output it is not in form of a string. That is a particular machine that input is accepted or rejected. So that is called finite automata. So this is that is accepting and that is rejecting. So finite automata, it is a mathematical model, okay, and it contains input from user in form of a string, and it gives as a output that is a particular string is accepted by that machine or rejected by that machine. So that is called a finite automata. So basically input actually है क्या यहाँ पे. तो मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए ए ए एंड बी बी बी. सो अब इनपुट ब्लॉक क्या होगा. सो इट इज अ फाइनाइट सी ब्लॉक. ओके सो दैट इज इनपुट ब्लॉक. सो इट इज ए ए ए एंड हेयर इट इज बी बी बी. सो ये एक बार में एक सिंबल हमारा एक ब्लॉक में रखेगा. सो दैट इज इनपुट. और ये फाइनाइट कंट्रोल जनरली कर क्या रहा है वो इसमें से इस इनपुट को रीड करेगा एंड वन बाय वन ये कंट्रोल इस तरीके से मूव करेगा. मूविंग होगी आपकी राइट लेफ्ट टू राइट. सो मूवमेंट और रीडिंग दैट इज कॉल्ड रीडिंग. रीडिंग इनपुट हेयर वी हैव रिटन हेयर रीडिंग द इनपुट लेफ्ट टू राइट. ओके सो ये कब तक राइट करेंगे आइदर फाइनल स्टेट ना हो जाए या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग हमको ना मिल जाए. मतलब यूज़र के अब कोई भी इनपुट नहीं दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी स्ट्रिंग. वो हमें
मिल जाएगा इनपुट के अंदर। सो ये है हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। सो दिस इज द डेफिनेशन। इट टेकन फाइव टपल्स। सो हियर इट इज सेज एक्सेप्टर। सो इन यहाँ पे स्लाइड में क्या है, दैट इज पर्टिकुलर इज एक्सेप्टेड एंड पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। सो समटाइम्स सम लिटरेचर रेफर्स एज इट इज अ एक्सेप्टर। सो फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा इट कंटेन्स और इट इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव टपल्स, फाइव वेरियस टपल्स। सो फर्स्ट वन इट इज फाइन क्यू एप्साइलन डेल्टा क्यू जीरो एंड एफ। ऑल दीज आर स्पेसिफाइड बाय देयर क्यू जीरो। इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। सो एज्यूम इट वी हैव स्टेट, मान लेते हैं इट इज अ क्यू जीरो क्यू वन एंड क्यू टू। सो हेयर इट इज ए, हेयर इट इज बी एंड इट इज अ क्यू फोर, हेयर इट इज ए एंड हेयर इट इज ए एंड दिस वन। ओके, सो ये मान लीजिए एक मैथमेटिकल मॉडल है किसी प्रॉब्लम के लिए। सो क्यू इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। सो जो क्यू होगा वो होगा हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो जो सेट्स होंगे वो सर्किल के अंदर वाले पार्ट, या कह सकते हैं जो सर्किल्स से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को। सो इट इज अ क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू एंड क्यू फोर। सो दिस इज द फाइनाइट सेट ऑफ सेट्स स्टेट्स। सो इट को रिप्रेजेंट करेंगे इन सर्किल्स का यूज, सर्किल्स को, सर्किल्स के द्वारा। एंड एप्साइलन इट इज नॉट एप्साइलन, इट इज सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड इनपुट अल्फाबेट। जो यूजर एक स्ट्रिंग जनरेट करेगा वो स्ट्रिंग किन किन अल्फाबेट से बनेगी वो यहाँ पे पुट करेंगे। सो यहाँ पे अल्फाबेट क्या है, दैट इज ए एंड बी। हियर इट इज ए एंड बी। सो हर एक इनपुट अल्फाबेट के साथ एक आपकी लेबल्स, या कह सकते हैं आर्क को हम एसोसिएट करते हैं। क्यू जीरो हेयर, अब ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमने क्यू जीरो लिया है, किसी में क्यू वन होगा किसी में एस होगा। तो जस्ट इट इज़ अ वेरिएबल। सो इट इज़ अ स्टार्ट स्टेट। तो स्टार्ट स्टेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट सर्किल, देन एरो सिंबल यूज कर लें जस्ट सिंगल। सो दैट इज कॉल्ड स्टार्ट स्टेट। एंड एफ इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। सो हेयर वी आर यूजिंग एफ। यहाँ केवल एक है, दैट इज कॉल्ड क्यू फोर। एक फाइनल स्टेट है, सो इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट को हम इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्किल होगा और उसके बाहर एक एरो लगा होगा। फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे डबल सर्किल, एक सर्किल इसके ऊपर एक और सर्किल होगा, तो दैट इज कॉल्ड अ फाइनल स्टेट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, सो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन मतलब कि हम इस स्टेट से इस स्टेट में कैसे पहुँचें। सो द लॉजिक बिहाइंड मूविंग फ्रॉम स्टेट क्यू जीरो टू क्यू वन, और वी कैन से दैट मूविंग वन स्टेट टू अनदर स्टेट यूजिंग दैट ट्रांजिशन फंक्शन। ओके, सो इट इज बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन। बिना ट्रांजिशन फंक्शन के हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है। हम एक मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हैं, एक रिप्लिकेशन बना रहे हैं, हम चाहते हैं एक मैथिन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में कैसे जा रहे हैं, कि किस किस वे से जा सकते हैं, या क्या लॉजिक है एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में मूव करें। तो इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिशन फंक्शंस। सो फाइनाइट ऑटोमेटा इट इज टू टाइप, और वी कैन से दैट अ फाइनाइट ऑटोमेटा वी हैव इट इज टू टाइप। फर्स्ट वन विद आउटपुट एंड इट इज़ मशीन। विद आउटपुट का मतलब हो गया, और एक होता है हमारे पास विदाउट आउटपुट। तो अभी तक जितना वर्क हम पढ़ेंगे वो विदाउट आउटपुट है, मतलब हम आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे हैं।
हम स्ट्रिंग को केवल चेक कर रहे हैं कि एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सो हम अभी काम करेंगे विदाउट आउटपुट। विदाउट आउटपुट भी हमारे पास दो तरह से होंगे, फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज NFA और DFA। एंड विद आउटपुट भी हमारे पास दो तरीके से होंगे, एंड मूरे मशीन एंड मीले मशीन। ओके, सो आउटपुट जनरेट कैसे होगा, जैसे हम एक सर्किट डिज़ाइन बनाते हैं तो इनपुट हम सर्किट डिज़ाइन में क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, आइदर इट इज़ ऑन और ऑफ। तो इसका आउटपुट क्या होगा, फैन वर्क करेगा या बल्ब में सप्लाई पास कर रहे हैं, लाइट फ्लैशिंग करेगी ऑन और ऑफ के अकॉर्डिंग। सो दैट इज़ एक जस्ट अ बेसिक एग्जांपल कि हमारे पास कोई स्टैटिक मशीन है और उसमें एक इनपुट पास करेंगे तो एक आउटपुट या दो आउटपुट हमें मिलेगा। ओके, और हम आउटपुट अगर नहीं जनरेट करना चाहते हैं तो जो भी हम इनपुट पास करेंगे वो उस मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट एक्सेप्टर। सो नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा का यहाँ एग्जाम्पल एक देखा, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज सेज दैट ट्रांजिशन डाइग्राम। सो इस तरह के जो भी डाइग्राम होंगे उनको हम लोग ट्रांजिशन डाइग्राम बोलेंगे। सो हेयर हम इंडिकेट करते हैं दैट इज इनिशियल स्टेट और स्टार्ट स्टेट, एक सर्किल होगा उसके बाहर हम एरो यूज करेंगे, दैट इज स्टार्ट स्टेट, और फाइनल स्टेट और इसको बोलेंगे एक्सेप्टिंग स्टेट। तो इसमें जनरली हो क्या रहा है कि एक डबल सर्किल होगा और उसको हम लोग फाइनल और एक्सेप्टिंग स्टेट बोलेंगे, और जो बचे हुए इनके बीच में स्टेट्स होंगे उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स, इंटरमीडिएट स्टेट। और आर्क को बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशंस का मतलब यहाँ कि ये कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपली ट्रांजिशन फंक्शन और ट्रांजिशन। ओके, एंड अब ये एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है। मान लीजिए एक इसी मॉडल में हमने कहा कि ये एक यूज़र ने इनपुट दिया 3 times of A कि ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये मशीन। सो दिस इज इनपुट, तो हमने फर्स्ट इसको रीड किया A को, हम इनिशियली इस स्टेट पे थे Q0 पे। सो Q0 पे हमने इसको रीड किया, किसको रीड कर रहे हैं हम, A को। तो Q0 को रीड करने के बाद हम कहाँ मूव कर रहे हैं, Q1 स्टेट में। तो हम अब पहुंचे हैं Q1 स्टेट में। अब हमारा ये पॉइंटर यहाँ से मूव होकर चला गया इस वाले में क्योंकि ये रीड हम कर चुके हैं। अब अगेन इसको A रीड करा, तो जैसे ही ये A रीड करेगा तो क्या होगा, ये मूव कर गया Q5 पे। ओके, सो ये भी हमारा रीड हो गया। अब हम पहुंचे हैं Q5 पे, Q5 पे इसका भी वर्क ख़त्म हो गया। Q5 पे क्या मिला, A। अगेन जब Q5 पे वो रीड कर रहा है A को तो कहाँ मूव करेंगे, वापस Q5 में। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एप्साइलन। सो इनपुट तो हमारे पास फिनिश्ड हो गया बट हम लोग फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँचे। तो फाइनल स्टेट क्या थी, Q4। हम कहाँ पहुँचे, Q5 में। सो हम ये कह सकते हैं कि A इट इज रिजेक्ट और रिजेक्टेड बाय मशीन जो हमने ये बनाई हुई है या गिवन है। सो एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस का सिंपल मतलब, हम स्टार्ट स्टेट से चले, हमने कहा कि हमने स्टार्ट स्टेट से रन किए और फाइनल तक पहुंच गए, पहला कंडीशन, और फाइनल तक पहुंचे और स्ट्रिंग हमारे पास, हमने सारी स्ट्रिंग रीड कर ली। सो स्ट्रिंग इज, आई थिंक इट इज सेज दैट नल स्ट्रिंग हमें मिल जाए। ओके, सो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय पर्टिकुलर मशीन। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज
सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वन इट इज ट्रांजिशन डायग्राम, सेकेंड वन इज ट्रांजिशन टेबल. सो अनदर टेकन वन एग्जाम्पल, क्यू जीरो इज स्टार्ट स्टेट एंड क्यू टू इज अ फाइनल स्टेट. सो जब हम टेबल बनाएंगे इसका तो क्या होगा, रोज जो होंगे आपके स्टेट्स के फॉर्म में होंगे और कॉलम्स जो होंगे वो आपके इनपुट के फॉर्म में होंगे. सो दैट इज इनपुट एंड हेयर इट इज स्टेट्स. एंड अब बस रखना है हमको टेबल को फिल करना है. सो क्यू जीरो रीड होगा ए को, क्यू जीरो ने रीड किया ए को. सो अगर हम इसको एक टेबल यहाँ बना के ट्राई कर लेते हैं, आइदर इट इज ए एंड बी एंड क्यू जीरो, और ये स्टार्टिंग स्टेट है तो हमने एरो लगाया. क्यू जीरो ने रीड किया इस ए को, कहाँ पहुँचे हम, क्यू वन पे. एंड क्यू जीरो ने इस बी को रीड किया, कहाँ पहुँचे हम, क्यू वन पे. ओके, सो क्यू वन में दोनों इनपुट इसने रीड कर लिए. अब क्यू वन का टास्क हो गया फिनिश, तो अब बचा कहाँ, क्यू वन. हमने दोनों रीड करके क्यू वन पे पहुँच गए. क्यू वन ने ए रीड किया, पहुँचे हम Q2 पे. एंड Q1 ने अगेन B रीड किया, हम क्या पहुँचे, Q2 पे. सो ये भी दोनों इनपुट को रीड कर चुका है, सो इसका भी टास्क फिनिश्ड हो गया. एंड Q2, और Q2 क्या है, हमारे पास फाइनल स्टेट है तो हम इसको स्टार लगा सकते हैं, और सम लिटरेचर्स में फाइनल स्टेट को ऐसा भी दिया गया है डायग्राम में, सॉरी टेबल डिजाइनिंग में. एंड Q2 ने रीड किया A को, Q2 पे आए. Q2 ने रीड किया B को, हम पहुँचे Q2 पे. सो दिस इज द फाइनल टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फाइनाइट ऑटोमेटा. सो टू रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वन इज ट्रांजिशन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड वन इज ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन. एंड अनदर रिप्रेजेंटेशन होगा, वो होगा हमारा लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन. सो जनरली हम लोग थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में यहाँ काम करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लैंग्वेज मिलेगा, हम उससे DFA या फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, या फाइनाइट ऑटोमेटा मिलेगा, हम उससे लैंग्वेज जनरेट करेंगे. सो दिस इज द बेसिकली टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा यूजिंग अ ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल. अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए नहीं है, इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन. सभी में हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे और ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे. सो ट्रांजिशन डायग्राम बनाना थोड़ा सा ईजी होता है, ट्रांजिशन टेबल थोड़ा सा टिपिकल होता है फिल करना पहले. अगर आपने ट्रांजिशन डायग्राम बना लिया है देन ट्रांजिशन टेबल ईजिली आप फिल कर सकते हो. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. And this is, I think I have discussed in earlier. So this is the types of finite automata. This is two type finite automata with output. And with output में हम क्या पढ़ेंगे, DFA और NFA. और NFA को भी हम लोग categorize कर लेंगे, that is called epsilon NFA. और इसी में हम लोग देखेंगे कि हम epsilon NFA से NFA कैसे बना सकते हैं, और NFA से हम एप्साइलन NFA से DFA कैसे बनाएं, और NFA से हम DFA कैसे बनाएं, एप्साइलन NFA से हम NFA कैसे बनाएं. सो दैट इज द कन्वर्जन बिटवीन NFA, नॉट बिटवीन कन्वर्जन इन NFA टू DFA बेसिकली. एंड इट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट एंड इट इज कॉल्ड अ मूरे मशीन और मीले मशीन. जो हमारे पास इनपुट्स होंगे और उसके करिस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट जनरेट होंगे. सो इसमें देखेंगे कि कन्वर्जन इन मीले टू मूरे मशीन और मूरे टू मीले मशीन. सो दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटास आउटपुट, आई थिंक. एंड थैंक यू.